अभी हमने उसको मैसेज करा था तो उसमें लिखा था झलक पांडे समझौते। चलो ठीक है, अब मैं जो है स्टार्ट करने जा रहा हूँ, क्योंकि कल मैंने कंसंट्रेशन के बारे में बता दिया था। दो तरीके से कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। जब मास की बात आती है तो मास वाला कंसंट्रेशन अलग होता है, और वो वॉल्यूम से भी हम निकाल सकते हैं अगर कोई वॉल्यूम देता है तो, ठीक। अब यहाँ पर बात करेंगे देखो सेचुरेशन और अनसेचुरेटेड सॉल्यूशंस की। सेचुरेशन, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड सॉल्यूशंस की हम बात करेंगे। तो होता क्या है कि एग्जांपल ले लो कि जैसे कोई भी पानी है, पानी में अगर हम किसी भी तरीके का साल्ट या शुगर मिला रहे हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि थोड़े से पानी में एक लिमिट होती है, इससे ज्यादा हम शुगर नहीं मिला सकते हैं। सबको पता है, शरबत लगभग सबने बनाया है। When we dissolve a solute in a solvent, then a solution is formed. We can dissolve different amount of solute in the same quantity of solvent. In this way, we can get many solutions have different concentration of same solute. For example, we can prepare many salt solution of different concentration by dissolving different amount of salt in same quantity, unsaturated and solution. अरे यार, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। चलो मेन चीज देखते हैं। अ सॉल्यूशन इन विच मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व विदाउट रेजिंग इट्स टेम्परेचर। वर्ड को समझना, पानी तुमने लिया, कोई भी सॉल्ट मिलाया, या मान लो तुमने सॉल्यूट जो भी ले लिया, शुगर मान लो मिलाया, तुमने टेम्परेचर नहीं बढ़ाया, लेकिन उसको तुम मिलाते चले गए मिलाते चले गए, लेकिन एक लिमिट तक मिलता है वो, उसके बाद वो बचा रह जाता है, तो वो मैक्सिमम क्वांटिटी, ठीक है, वो मैक्सिमम क्वांटिटी जो है सॉल्यूट की, जब बिना टेम्परेचर रेज किए वो मिलाया जा सके, तो उसको हम कहते हैं अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन बिना टेम्परेचर बढ़ाए किसी पानी में मैक्सिमम नमक की मात्रा, यानी मैक्सिमम जो है क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट, उसको हम क्या कहते हैं, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अभी अनसेचुरेटेड है, अनसेचुरेटेड मतलब संतृप्त, असंतृप्त, यानी कि अभी जो है और आ सकता है, अभी पूरी तरह फुल नहीं हुआ है, अभी ये और आ सकता है। इसमें कैसे आ सकता है, जब उसका हम क्या करते हैं, टेम्परेचर जो है बढ़ाते हैं। अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि एक उसी टेम्परेचर पे कोई भी सॉल्यूशन जिसमें कि उससे ज्यादा सॉल्यूट नहीं आ सकता है, उसको हम कहते हैं सैचुरेट सॉल्यूशन। इफ एन एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन नो मोर सॉल्ट कैन बी डिजोल्व एट दैट टेम्परेचर, देन दैट सॉल्ट सॉल्यूशन विल बी सैचुरेट सॉल्ट। ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर, भाई अनसैचुरेटेड यस का सर, मतलब होता है कि अभी उसमें और आ सकता है, अभी वो पूरी तरह सॉल्यूट उसमें फुल कंसंट्रेशन में नहीं आया है, ठीक है। टेम्परेचर हमें बढ़ाना नहीं है अभी, ठीक। जब हम उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब पूरा फुल हो जाता है, यानी उससे ज्यादा सॉल्यूट हम घोल नहीं सकते उसमें, तो वो सेचुरेट कहलाता है, ठीक है। और अनसेचुरेट मतलब कि कोई भी जब सेचुरेशन से नीचे अनसेचुरेट हो जाता है। अब जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, अ मैक्सिमम ऑफ 32 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट कैन बी डिजोल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर एट ए टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ले लें तो 100 ग्राम में मैक्सिमम जो है 32 ग्राम पोटेशियम ही डिजोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सैचुरेट। 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड कैन बी डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर 20 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये भी क्या हो गया, सैचुरेट सॉल्यूशन। अब इफेक्ट ऑफ हीटिंग और कूलिंग क्या होता है,
अ सॉल्यूशन इज अ सैचुरेटेड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर ऑनली, किसी टेम्परेचर पर मान लो सैचुरेटेड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर उसको हीट करते हैं तो अब वो अनसेचुरेटेड बन गया, क्यों? क्योंकि हीट करने पर अब और ज्यादा जगह मिल जाएगी उसमें, यानी अब वो सैचुरेटेड जो था यानी सॉल्यूट जो है उससे ज्यादा नहीं आ पा रहा था, टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से गैप बढ़ गया है। तो गैप बढ़ गया है तो अब वो सॉल्यूट जो और ले सकता है, यानी कि अब वो जो तुम सैचुरेट कह रहे थे उतने टेम्परेचर पर, अब वो हाई टेम्परेचर पर अनसेचुरेट कहलाएगा। दिस इज बिकॉज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इंक्रीजेज ऑन हीटिंग और मोल ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड ऑन रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? और ठंडा करने पर जैसे इसका उल्टा हो जाएगा, अब जरा हम सॉल्युबिलिटी की बात कर लें। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट, ये क्राइटेरिया बना दिया है कि 100 ग्राम सॉल्वेंट अगर लोगे तो किसी भी टेम्परेचर पर मैक्सिमम जो सॉल्यूट है जो उसमें घुल सकता है, डिजॉल्व हो सकता है, उसको हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, इज नोन एज सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्यूट इन दैट सॉल्वेंट एट दैट टेम्परेचर। इफ द सॉल्वेंट इज वाटर देन वी कैन डिफाइन सॉल्युबिलिटी एज फॉलोज, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट अ गिवन टेम्परेचर। तो सॉल्युबिलिटी भी मेरे ख्याल से समझ में आ गई है कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में मैक्सिमम सॉल्यूट की मात्रा एक फिक्स टेम्परेचर पर क्या कहलाती है? सॉल्यूट कहलाती है। ठीक है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट। हाँ सर, एक बार सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड एक और बता दीजिए सर। अच्छा चलो, शरबत बना रहे हो आज तो शरबत बनाया जाता है ना? यस सर। ठीक, तो शरबत बनाने में क्या होता है, तुमने थोड़ा सा पानी लिया लोटा में और फिर उसमें चीनी डाल दी 2 चम्मच या 3 चम्मच, और उसके बाद क्या किया तुमने, उसको घोलना चालू किया तो चीनी घुल जाती है, सबको पता है चीनी घुल जाती है। अब तुमने क्या सोचा कि यार थोड़ी सी चीनी इसी पानी में और डाल देते हैं, तुमने 2 चम्मच और डाल दी चीनी, अब तुम्हारे लिए घोलना मुश्किल हो जा रहा है। मान लो किसी तरह थोड़ा बहुत और ज्यादा कोशिश करके किसी तरह तुमने घोल दिया, लेकिन अब मान लो और ज्यादा तुम चीनी डालोगे तो उतने पानी में और ज्यादा चीनी घुलेगी नहीं, क्यों? क्योंकि चीनी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पानी के बीच फंस चुके हैं पूरी तरह, जगह फुल हो चुकी है, अब वो नहीं आ सकते। वो जो टेम्परेचर था तुम्हारे मान लो किचन का 27 डिग्री सेल्सियस था, मान लो तो 27 डिग्री सेल्सियस पे तुमने जो भी पानी लिया है, मान लो 200 ग्राम पानी लिया है, 200 ग्राम में क्या हो जाएगा, 200 ग्राम में मान लो तुम्हारा जो चीनी है 50 ग्राम घुल गई, ठीक, तो ये क्या कहलाया, ये कहलाया है सैचुरेट हो जाना। इसको क्या तो कहा तुमने, सैचुरेट हो जाना। हाँ, बिना टेम्परेचर के जब वो सॉल्यूट हो जाएगा तो वो बिना टेम्परेचर रेज किए मैक्सिमम सॉल्यूट की मात्रा है ना, मतलब मैक्सिमम सॉल्यूशन, मैक्सिमम सॉल्यूट जो मिल जाता है उससे ज्यादा नहीं आ पाता, तो उस सॉल्यूशन को कहते हैं सैचुरेट हो गया है। और जब तुमने 3 चम्मच डाली थी तुम्हें पता था कि इसके बाद और घोला जा सकता है, तो उस कंडीशन को अनसैचुरेट कहते हैं। अनसेचुरेट मतलब तुमको प्यास लगेगी, अभी तुमने पानी नहीं पिया तो तुम क्या करोगे, यार मैं प्यासा हूं, ठीक है मुझे पानी चाहिए, तो तुम क्या कहलाओगे, अनसेचुरेटेड हो तुम, अभी तुम संतृप्त तो नहीं हुए हो, लेकिन जैसे ही तुम पानी पी लोगे तो तुम्हें प्यास लगना बंद हो जाएगी, यानी कि तुम पूरी तरह संतृप्त हो चुके हो, यानी कि सेचुरेट हो चुके हो। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो भाई।
वो जो सर था वो जो अब 3 चम्मच उसमें नहीं घुलेगी, जो जो से अनसेचुरेटेड कहलाता है, जब उसको अगर टेम्परेचर उसमें देंगे तो वो घुल जाएगी, तो टेम्परेचर की वो बात अलग है घुलेगी। ना, टेम्परेचर की बात अलग है, टेम्परेचर। अरे तो हाँ जब उसमें 3 चम्मच और नहीं घुलेगी तो जब टेम्परेचर उसमें देंगे तो वो अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड बन जाएगी फिर। नहीं, तुम उल्टा कह रहे हो। देखो ऐसा है, तुमने मान लो जो भी 27 डिग्री सेल्सियस था किचन का टेम्परेचर, तुमने उसमें मैक्सिमम चीनी घोल दी, अब इससे ज्यादा तुम नहीं घोल पा रहे हो, नहीं घोल पा रहे हो, यस सर। वो तुम्हारे लिए हो गया सेचुरेटेड उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। लेकिन तुमने जैसे ही उसको हीटर पर रखा, पानी खोलने लगा, तो तुम उसमें और चम्मच चीनी डाल सकते हो। तो जैसे ही तुमने टेम्परेचर राइज किया, तो तुम्हारी जो सेचुरेटेड कंडीशन थी वो अनसेचुरेटेड हो गई। समझ में आ गया कि नहीं? जगह और बन गई। वैसे तो तुम सेचुरेट कह रहे थे, लेकिन जगह और बन गई। ठीक, मान लो नॉर्मल तुम कमरे में हो, मान लो 2 गिलास पानी पी लेते हो, ठीक है, 1 घंटे में। लेकिन धूप में है, तुम 2 गिलास नहीं पानी पियोगे, तुम 4 गिलास पियोगे। तो जो काम लो टेम्परेचर पे तुम संतृप्त थे, यानी सेचुरेटेड थे, बाहर जैसे गर्मी में जाओगे तुम तुरंत अनसेचुरेटेड हो जाओगे। पानी और चाहिए तुम्हें सेचुरेट होने के लिए। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अरे भाई बोला करो, ऐसा लगता मैं अपने को पढ़ा रहा यस हूं। सर, डिस्कनेक्ट हो यस सर, गए थे। हाँ हाथ धो गए भैया तुम लोग। यार सर, पता है बहुत गुस्सा आती कभी कभी, ये तुम लोग अपना नेट तो अच्छा करवा नहीं रहे हो, कह रहे हैं ब्रॉडबैंड लगवा दो या कुछ इस तरह की चीजें लगवा दो। ठीक है, 500 रुपये महीना है, कहीं कहीं 400 भी लेते हैं, कहीं कहीं 300 भी लेते हैं। अब कुछ लोग का तो नेटवर्क सही आता है, कुछ लोग म्यूट करके बैठते जानबूझ के। संजीदा यस सर, काहे म्यूट हो? स्कूल वाला हिसाब किताब बना रखा है, स्कूल में म्यूट करने की आदत है तो तुम यहां पर भी म्यूट कर देते हो। अरे यहां पर हमें बातें करनी है भैया, पूछना भी है, ठीक है, क्वेश्चन भी पूछने हैं, कोई कंफ्यूजन हो तो वो भी पूछना है। जैसे लाइव क्लास चल रही वैसे चलाना है। तुम लोग बिल्कुल स्कूल बना देते हो। अरे जिनका नेटवर्क गायब हो, मतलब चलो उनकी कोई बात नहीं, जिनका नेटवर्क आ रहा भैया वो तो म्यूट हो जाए, अनम्यूट हो जाए। अनुभव देखो ये म्यूट हो गया। आप चलो भैया हमें ठीक सर है, सॉल्युबिलिटी समझ में आ गई। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन डिसॉल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्यूट इन दैट सॉल्वेंट। ठीक है, जैसे कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट की सॉल्युबिलिटी वाटर में कितनी है? 21 ग्राम। यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस पे अगर लेते हैं तो 21 ग्राम बनती है। पोटेशियम नाइट्रेट की 32 ग्राम, शुगर की 204 ग्राम। सबसे ज्यादा शुगर की है, सबसे ज्यादा हम शुगर को घोल सकते हैं उसमें 20 डिग्री सेल्सियस पर, जो है पर 100 ग्राम को हम 100 ग्राम में शुगर को घोल सकते हैं। क्लियर है? देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, 12 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम सल्फेट डिसॉल्व इन 75 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 60 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या दे रखा है? कि 12 ग्राम पोटेशियम सल्फेट जो है 75 ग्राम पानी में घुल जाता है और 60 डिग्री सेल्सियस पर। व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर? व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर?
तो सॉल्युबिलिटी बताने के लिए 100 ग्राम चाहिए होता है, इसमें कितना दिया है 75 ग्राम। तो क्या करेंगे इसमें कि यहां पर देखो 75 ग्राम में 12 ग्राम, तो 1 ग्राम में कितना 12 डिवाइडेड बाई 75, एंड 100 ग्राम में कितना 12 बाई 75 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये है 60 डिग्री पर 100 ग्राम पानी में 16 ग्राम पोटेशियम सल्फेट हम डिसॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें जैसे है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स यूजली इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर और डिक्रीजिंग ऑन द, ये तो मैं पहले बता चुका हूं। टेम्परेचर इसकी इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, टेम्परेचर डिक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स रिमेन्स अनइफेक्टेड बाई चेंज ऑफ चेंज इन प्रेशर, प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है ध्यान रखना, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बेटा ये वाला क्वेश्चन जरा करो, एक बार देख लो सभी लोग। मिनट बेटा स्क्रीन शेयरिंग ऑन है ना मेरी? यस सर अपनी कोचिंग का भैया रिजल्ट बढ़िया आया है, समझे? यस सर का कितना आया बताओ? 94 सर वो बता रहे थे सर, मैं कौन बस तो स्वराज इंडिया का पूरा वो आ गया क्या आ गया? पैम्पलेट शेयर करी थी पूरी। तनीषा दीदी के 93% हैं। सर का सर बता रहे थे नहीं समझ आ रहा सर। स्टूडेंट डिटरमाइन द सॉल्युबिलिटी ऑफ 4 सब्सटेंसेस पोटेशियम नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड इन वाटर एट 5 डिफरेंट टेम्परेचर्स 10 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस इस तरह से। तो दिक्कत क्या है इसमें? सॉल्युबिलिटी यही है, अलग अलग दे रखी है। वॉट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू मेक अ सैचुरेट सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है कि पोटेशियम नाइट्रेट की कितनी नीड होगी सैचुरेट सॉल्यूशन बताने बनाने के लिए 50 ग्राम पानी में और 40 डिग्री सेल्सियस। 50/14 to 100 50/14 to 100। अरे रुको जाओ भैया, पहले सोचो तो। पहले देखो, पहली बात तो 40 डिग्री की बात कर रहा है। 40 डिग्री में पोटेशियम नाइट्रेट का कितनी सॉल्युबिलिटी है? 62 ग्राम है। तो यस सर 62 ग्राम किसमें है? 100 ग्राम में है ना। यस सर इसमें कितना पूछा है? 50 ग्राम में। तो 100 ग्राम